वेलकम बैक फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम जो क्लास 9 के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर, इस पर जो आज के साथ साथ हम एमसीक्यू सीरीज डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस भी कराएंगे एमयू जेएमई और बीएचयू एंट्रेंसेस के लिए। सो लेट्स बिगिन द थ्रीज फॉर द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। आफ्टर ऑल वी विल ट्राई द एमसीक्यू सीरीज एंड ऑल्सो वी गिव विद द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ द एनालिसिस विद एनालिसिस फॉर जेएमयू जेएमआई एंड बीएचयू एंट्रेंसेस। सो लेट्स प्ले। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है और हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द फ्री डिटेल एंड फ्री कंटेंट ऑफ द सीबीएसई कोर्सेज ऑफ क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 विच आर नेसेसरी फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम एंड ऑल्सो सीबीएसई एग्ज़ाम मोस्टली। एंड विद द हेल्प ऑफ द एंट्रेंसेज, वेयर द एंट्रेंसेज आर डन फॉर क्लास 9, क्लास 11, क्लास क्लास 10 बोर्ड एंड क्लास 12 बोर्ड ऑल्सो। देखिए, हम आ गए हैं चैप्टर फर्स्ट पे हैं हम, यहाँ पे मैटर इन अवर सराउंडिंग हम पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज़, एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, इट्स फेल्ड बाई सेंस इज कॉल्ड मैटर। बहुत सीधी सी डेफिनेशन होती है मैटर की, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मास होता है और वो जगह घेर लेती है उसको मैटर कहते हैं। मैटर की पांच एलिमेंट जो हैं उसकी फाइव फॉर्म्स हैं, जिन्हें आप एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर कहते हैं, जो पंच तत्व थ्योरी को दिखाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर की, मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जाहिर सी बात है टिनी पार्टिकल्स से बनी होती है। वैकेंट स्पेस एक्सिस्ट होते हैं पार्टिकल्स में, और पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक द टेबल, हम टेबल लेते हैं, टेबल में क्या होता है, टिनी पार्टिकल्स से लकड़ी से बनी हुई है, वैकेंट पोजीशन पार्टिकल्स के बीच में मौजूद है, पार्टिकल्स इन कंटिन्यूअस मोशन में भी होते हैं, और पार्टिकल्स हेल्ड बाई टुगेदर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर पे आ जाएंगे। स्टेट ऑफ मैटर को समझने के लिए हमें समझना होगा इसकी, जो आप नेसेसरी अभी तक पढ़ के आते हैं वो तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट टू स्टेट आर सो एडेड फॉर द कंपटीशन लेवल ओनली, बट यू शुड राइट द थ्री स्टेट इन योर बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड एग्जाम। बट इफ यू अपियर इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड द ऑप्शन इज फाइव इज ऑल्सो प्रेजेंट द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन, सो यू शुड टिक द क्वेश्चन फाइव स्टेट, द सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बी ई सी, विच इज नॉन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। नेक्स्ट लेंगे, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को इन्होंने शेप के ज़रिए समझाया है, मैं आपको एक एक बताऊंगा। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, वो जहाँ रख दिए जाते हैं उसी शेप में रहते हैं, चाहे लंदन ले जाएं चाहे अमेरिका ले जाएं। लिक्विड में फेस फिक्स नहीं होता शेप, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम का मतलब वो जगह जहाँ पर वो घर रखे जाएँ। नाइदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स वॉल्यूम गैस के केस में। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम होती है सॉलिड में, उससे ज़्यादा होती है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में। इनकम्प्रेसिबल होते हैं लिक्विड, ये थोड़े से इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की लोअर होती है, और गैस की लोअर देन टू द वाटर, लोअर देन टू द लिक्विड एंड सॉलिड। हाँ, इसके बाद इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है, सॉलिड के बाद लिक्विड में जो है कम होता है, और उसके अंदर जो है गैसेस में सबसे वीकेस्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की अगर बात करें तो वेरी क्लोज पैक होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस में जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्री टू मूव होते हैं। मैं आपको इसका
एक एक चीज बता रहा हूँ आपको करके, ताकि आपको याद रहेगा ये। जैसे अगर हम ये बोलें कि क्लोजली पैक्ड है, आपके पास साबुन होता है तो साबुन सॉलिड होता है, जब उसके बिल्कुल करीब आप जाते तभी आप उसकी खुशबू को सूंघ पाते हैं। लेकिन तेल है, तेल कोई बालों में अगर लगा के आते हैं तो थोड़ी दूर से आप उसकी स्मेल आ सकती है आपको। और गैस की अगर बात करें तो परफ्यूम अगर कोई कमरे में लगा ले तो पूरे कमरे में हमें परफ्यूम जो है महसूस होता है। सो द थ्री थिंग्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, आर लूजली पैक्ड और आर फ्री टू। अभी बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस को कहते हैं, याद रखिएगा। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती है ये। प्लाज्मा के ऊपर अभी रिसर्च चल रही हैं, जैसे जैसे रिसर्च आएंगी। नॉन एवोल्यूटिव है, देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, नॉन एवोल्यूटिव का मतलब है यहाँ पर आपको इनको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जो है कंपटीशन के लिए पढ़ना है। BEC स्टेट ऑफ मैटर है जो अराइज होती है लो टेम्परेचर पे। साइंटिस्ट जिन्होंने वर्क किया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए इन्होंने नोबेल मिला इनको 1995 का, ठीक है। उसके बाद जो काम की चीज़ें हम देखेंगे, ये थोड़ा सा लिक्विड की जो है काम की नहीं है ना, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, नॉन एवोल्यूटिव है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज इट स्टेट, आप जानते हैं मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है, सॉलिड एज आइस, जैसे लिक्विड एज वाटर, गैस इन वाटर वेपर। कुछ डेफिनेशंस है जो हम लेंगे। सब्लिमेशन की बात करें, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, लाइक दैट अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। जब आप कैम्फर को गर्म करेंगे तो गर्म होने के बाद वो बिना लिक्विड बदले गैस में पहुंच जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेराइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड इट कंटेंट्स रिक्वायर्ड इन द ब्रिंगिंग टू द चेंज। जो टेम्परेचर इफेक्ट है हीटिंग का, वो सॉलिड पे उनकी नेचर के हिसाब से अलग अलग महसूस होता है। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, जो जिस चीज़ से वो बना है उसके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। और इंक्रीज होने के बाद में जो सॉलिड होता है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जब अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो ज़्यादा ओवरकम हो जाता है और उसके बाद ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। जिस पर कोई मेटल पिघलने लगती है जिस टेम्परेचर पे, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मैग्नेट मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, या फिर जो है इसको आप जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर भी कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, इसे फ्यूजन भी कहते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। आपने देखा होगा जब आप बाजार से बर्फ खरीदने जाते हैं तो बर्फ को वो बहुत सारे वजन के नीचे रखता है दबा के, क्योंकि प्रेशर भी जो है स्टेट को जो है इफेक्ट करेगा और स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रेशर को करने में, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से CO2, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, याद रखिएगा कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, CO2 सॉलिड CO2 नॉन एज ड्राई आइस, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है स्टोर्ड होती है अंडर हाई प्रेशर के, और सॉलिड CO2 जो होती है कन्वर्टेड हो जाती है गैसियस स्टेट में एज डिक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है, टू वन एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसका रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो ही जो है ड्राई आइस कहते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लेटेंट हीट की अगर हम बात करें तो ये होती है द हिडन हीट, देखिए थोड़ा सा बड़ा करके दिख रहे हैं हम, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, यानी वो छुपी हुआ फोर्स या वो छुपी हुई हीट जो अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देती है और किसी भी चीज़ की स्टेट को बदल देती है। मैं इसे आसान टर्म में आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी हीट जो एक मोल किसी भी लीटर पानी को एक मोल पानी को लिए को बदलने के लिए उसे गैस में बदलने के लिए यूज़ की जाती है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट आपका, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे देखिए, उसके बाद फ्यूजन और वेपोराइजेशन दिया है इन्होंने, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, और वेपोराइजेशन हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ले लेंगे एवापोरेशन, मैं आपको एवापोरेशन समझा रहा हूँ, आप याद रखिएगा जो एवापोरेशन है इसकी सिंपली डेफिनेशन हो जाएगी, ये पॉइंट्स आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, अच्छे हैं आपके लिए, इसको वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए,
ठीक है, पार्टिकल्स जो एवापोरेशन क्या है, एवापोरेशन कन्वर्जन है वाटर का वाटर वेपर में, लेकिन वेवापोरेशन ओनली सरफेशियल होता है, यानी एवापोरेशन में सिर्फ क्या होता है, सरफेस का जो पानी होता है एवापोरेट होता है। आप सोचेंगे कि बॉइलिंग भी ऐसा ही होती है, तो बॉइलिंग में और एवापोरेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। कैसे फ़र्क होता है मैं आपको बता रहा हूँ, बॉइलिंग में और एवापोरेशन में ये फ़र्क है कि बॉइलिंग में जो होता है पानी टोटल जो उसके पार्टिकल होते हैं वो जो है काइनेटिक एनर्जी में आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी करने लगते हैं, लेकिन जो गैर उसमें एवापोरेशन होता है वो ओनली सरफेस के पार्टिकल सिर्फ हीट अप होते हैं, और सरफेस के पार्टिकल हीट अप होने से वहाँ पे एवापोरेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, यानी वो फैक्टर जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है, जब रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ती है तो इंक्रीज होती है सरफेस एरिया, यानी अगर एरिया बड़ा होगा तो एवापोरेशन की रेट भी बड़ी होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी जिससे एवापोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो प्रेजेंट होती है एयर में, याद रखिएगा ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर। मतलब है कि एयर एक डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर नहीं रख सकती टेम्परेचर में, दिए हुए टेम्परेचर में, तो ये जो अमाउंट इसमें पहले से मौजूद होती है इस अगर ये ज़्यादा है तो इसकी वजह से एवोपरेशन डिक्रीज होता है। यानी ऐसे सिंपल टर्म में समझिए, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो एवोपरेशन डिक्रीज होगा। विंड स्पीड जो है इसको मोर एवोपरेट कराती है पानी को, एवोपरेशन कॉज करता है कूलिंग को, क्योंकि जब आप एवोपरेशन कराते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, जिससे रीगेन हो जाती है एनर्जी लॉस्ट। जब पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को सराउंडिंग से, अपनी एनर्जी लॉस्ट को रीगेन करने के लिए, इसलिए जो है वहाँ पे ठंडक हो जाती है। मैंने अभी समझा ही दिया आपको एवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, ठीक है, आप इससे और पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया कि एवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये सारी जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं ये कंटेंट जो हैगा आपको बिल्कुल फ्री है, और आप बिल्कुल इसको फ्रीली पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले पाएँ, और बेनिफिट लेने के साथ साथ इसको साथ साथ जो है उनकी तैयारी अच्छी हो पाए, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तैयारी के लिए, और बढ़िया से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो फिर मटेरियल पे चलते हैं कि टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, याद रखिएगा, कैल्विन, सेल्सियस और आपका तीसरा होता है फारेनहाइट। लेकिन अब मैं तीनों क्यों बनाए साइंटिस्टों ने उनका वजह बता रहा हूँ। कैल्विन जो होता है वो यूज़ होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, यानी एजुकेशन के लिए, फारेनहाइट मेडिकल्स के लिए यानी डॉक्टर्स यूज़ करेंगे, और सेल्सियस कमर्शियली यूज़ होगा। ठीक है, तो कैल्विन जो है SI यूनिट माना जाता है टेम्परेचर का, और एक कैल्विन 1 डिग्री सॉरी 1 कैल्विन बनाने के लिए आपको जितना भी सेल्सियस है उसके अंदर 273 को ऐड करना है, याद रखिएगा क्या करना है, 273 को ऐड करना है। कैल्विन स्केल में पॉजिटिव साइन होते हैं हमेशा, इसलिए इसे बेटर स्केल माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कंपटीशन में कि किस टेम्परेचर पे या किस जो हैगा फारेनहाइट पर सारे टेम्परेचर एक जैसे होते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ जिससे आप तीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम बोर्ड पे चलेंगे, देखिए हम बोर्ड पे आ गए। देखिए एक फार्मूला है C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक, इससे आपको करना क्या है, इससे आप सेल्सियस से इसको फारेनहाइट में बदल सकते हैं, और फारेनहाइट से आप इसे सेल्सियस में, देखिए मैं बदल के दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको 100 सेल्सियस को चेंज करना है, कितने को चेंज करना है, आपने रखा यहाँ 100, यहाँ 5 है, एफ आपको निकालना है। ठीक है, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 900 हो जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा 5F माइनस 32। ठीक, समझ गए दोस्तों, 5F माइनस 32। अभी ये जो 32 है, सॉरी 5F माइनस 32 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, ये हो जाएगी आपकी 5 2 10। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, एक सौ साठ। ठीक, ये आप जब इधर लेके जाएंगे 900 के पास, तो ये ऐड हो जाएगा 160। ठीक है, ये हम इधर का डिलीट कर देंगे जो फार्मूला लिखा था हमने, क्योंकि फार्मूला आपको हमने पढ़ा दिया है ये अभी। ठीक है, चलिए, तो हमने लिख लिया 900 प्लस 160 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे बता रहे हैं आपको 1060 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1060। ठीक है, 1000 कितना हो गया, 60, है ना। और इधर क्या आएगा, इक्वल टू क्या है, 5F। क्या है, इक्वल टू 5F। ठीक है, जब 5F इक्वल है तो F बराबर हो जाएगा 1060 बाई 5। 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, यानी 212 फारेनहाइट। कितना फारेनहाइट, 212 फारेनहाइट। कितना फारेनहाइट आया दोस्तों, 212 फारेनहाइट। कितने डिग्री सेल्सियस से, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर हमें सेल्सियस टू केल्विन जाना है, क्या जाना है, सेल्सियस टू केल्विन, तो हमें सीधे सीधे सेल्सियस में 273 ऐड करना है, जैसे हमने यहाँ ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, 373 केल्विन। यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, और इन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको जो है सही से इसकी एक तैयारी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एवापोरेशन। ए, इट कॉजेस कूलिंग। बी, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। अभी हमने पीछे आपको पढ़ाया था कि ये कूलिंग को कॉज करती है, पहला बिल्कुल सही है। इंक्रीज होती है ह्यूमिडिटी के साथ, ये गलत है। यही पॉइंट अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो एवापोरेशन डिक्रीज होता है, तो बी तो नहीं होगा। तो अब हमें एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, बी जिसमें है हम उसे छोड़ देना है। ठीक है, अब बी जिसमें है ये कह रहा है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी के बढ़ने के साथ में ये बढ़ती है, और आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो एक तो बी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है इट डिक्रीजेस द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये घटती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ये भी गलत बात है। तो इसमें बी और सी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, बाकी जो है सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लेटेंट हीट। इट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है। इट डज़ नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये गलत बात है, बदलती है। लेटेंट हीट का मतलब स्टेट चेंज होता है। इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर ड्यू टू लेटेंट हीट, ये गलत है, गलत नहीं हो सकता। तो आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर ड्यू टू लेटेंट हीट, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और ए बी सी डी इसके चारों ही करेक्ट हैं, तो ये हमारा जो ए बी सी डी होगा इसका चारों जो है कनेक्ट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर कह रहे हैं सॉरी एक मिनट, ये आ जाता है आपका, कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, वाटर कैप्ड इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल इन समर बिकॉज, देखिए कह रहे हैं कि जो है पानी को मटकों में रखा जाता है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर एस्केप थ्रू पोर्स एंड कॉजिंग
कॉज कूलिंग, अर्थन पोर्ट्स आर मेड अप ऑफ क्ले, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इन समर द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर इज फॉस्टर। तो देखिए दोस्तों, ये जो चारों पॉइंट हैं ये बिल्कुल सही हैं इसके, ये डिक्रीज भी करते हैं टेम्परेचर को, एवोपरेशन गर्मी में ज़्यादा भी होता है, कूलिंग भी होता है, तो ए बी सी डी जो है यहाँ पे चारों ही करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे, टू मेजर गैसेस प्रेजेंट इन एयर, आप आसानी से जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं एयर में। उसके बाद लेंगे, थ्री पीसेज ऑफ क्लोथ वर सोक्ड इन वाटर, एल्कोहल एंड ईथर सेपरेटली, टेबल ऑन द डिक्रीज ऑन अ टेबल, व्हाट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्राइंग ऑफ क्लोथ, यानी घटता हुआ क्रम क्या है उनका सूखने का। तो सूखने का जो घटता हुआ क्रम होगा वो इस तरीके से होगा, वाटर, एल्कोहल और ईथर, ठीक है, वाटर, एल्कोहल और ईथर, ठीक है, क्या ग्रुप हो जाएगा, वाटर, एल्कोहल और ईथर, ठीक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड इन द लैब इन अ गैस जार बाय वॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ द गैस, इट इज लाइटर देन एयर, इट इज हैवियर देन एयर, नो करेक्ट स्टेटमेंट कैन बी मेड अबाउट द डेंसिटी ऑफ द गैस, इट डेंसिटी इज इक्वल टू ऑफ दैट एयर। तो ये जो होती है हवा से भारी होती है, इट इज हैवियर देन एयर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बिकम्स कॉन्स्टेंट वन इज स्टार्ट बॉइलिंग, प्रेशर ऑफ एयर इज सी लेवल इज 70 सेंटीमीटर। तो जो पहला वाला पॉइंट है, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बिकम्स कॉन्स्टेंट वन इट स्टार्ट बॉइलिंग, स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट है लेकिन बी रॉन्ग है। उसके बाद क्वेश्चन है, सर्जन्स को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के लिए इनमें सर्जन को किस चीज़ की ज़रूरत है, ईथर, एसिड, ईथेन, प्रोपेनॉल, और क्यों होती है, नशा देने के लिए, तो ईथर की होती है यहाँ पे। मैच ऑफ द फॉलोइंग विथ करेक्ट स्टेट, करेक्ट रिस्पॉन्स, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 300 केल्विन, वाटर एट 273 केल्विन, वाटर एट 373 केल्विन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ द स्टेट। आप एक पकड़ लीजिए, आपको दो सब ये समझ में आ जाएंगे। वाटर एट 273 केल्विन है, इसमें दे रखा है बी पे, और 273 केल्विन का मतलब बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी, सॉलिड यानी बर्फ। तो दो का ए सही है। अब इसमें दो का ए ढूंढ लो जहाँ पे ठीक होगा, तो पहले वाले ऑप्शन में दो का ए हैगा, तो इसलिए पहले का डी होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। हम चेक कर लें तो ये लिक्विड सही है बिल्कुल, क्योंकि जो हैगा 27 डिग्री सेल्सियस बनेगा लगभग, और थ्री का है 273 केल्विन, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो जाएगा, वेपर होगी, सही है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ द स्टेट, ये लेटेंट हीट हो जाएगी, ये सही है बिल्कुल, 10th आंसर लेंगे। उसके बाद कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से क्या केमिकल चेंज नहीं है, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड है ये केमिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये नहीं है, बर्निंग ऑफ पेपर ये भी है, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, तो इसमें से बी फ्रीजिंग ऑफ वाटर और डी नहीं है, बी और डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप साइंस क्लियर क्लासेस पे पढ़ रहे थे विद डिटेल चैप्टर के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर इसमें किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है या किसी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो हमें जो है वहाँ पे नीचे पॉइंट में कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी जो क्वायरी होगी उसको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइम से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।